डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जन सप्ताह का संपादकीय जो 16 फरवरी 2024 को दिए गए उसी में आर्थिक सुधार और मौजूदा दौर का जो कंसेप्ट दिया गया उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या कह रहा है? आर्थिक सुधारों का एक सच यह है कि इन्हीं के चलते आम भारतीयों के सपने को पंख लगे, अन्यथा आज़ादी के बाद के शुरुआती दशक में यह संभव नहीं था। क्या कह रहे हैं, इसको पूरी तरह से पढ़ते। परमजीत सिंह बोहरा द्वारा लिखा गया है। क्या कहते हैं वो देखिए। इन दिनों एक बार फिर से 1991 के आर्थिक सुधारों का जिक्र होने लगा है। आर्थिक सुधारों को भुलाया नहीं जा सकता, उसी के चलते आज भारत दुनिया का पांचवा बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में हमने GDP को आधार बनाया है, जबकि तस्वीर का दूसरा पक्ष यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विकसित होने में हम खुद को 2047 तक का समय लेकर चल रहे हैं। यानी प्रति व्यक्ति आय कब तक? 2047 तक। क्वेश्चन, 24 जून 1991 को संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री, उस समय के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उस विचार को रोक सके जिसके आने का समय निश्चित हो। यानी जो समय आने का समय निश्चित हो उसको रोकने का इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं है। तत्कालीन सरकार उस समय के दुर्बल आर्थिक स्थितियों को देखते हुए यह दृढ़ संकल्प थी कि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत अभी कर देनी चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। हालांकि यह प्रश्न अब भी कई बार उठता है कि क्या आर्थिक सुधार भारत में देरी से नहीं हुए थे, मगर उस खबर को भुला देना बहुत गलत होगा कि भारत बहुत विकट आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है और इसके चलते भारत सरकार को अपने देश का सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ रहा है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सके। इससे भारतीय समाज में यह खासी हलचल मच गई थी। तब लोकतांत्रिक विरोध के पूर्वानुमान को मापते हुए तत्कालीन सरकार ने आर्थिक सुधार को लागू कर दिया था। उन्हीं सुधारों को देने है कि तब से 270 अरब अमेरिकी डॉलर से चलते चलते आज भारत का GDP 4 खरब अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। उन आर्थिक सुधारों का एक सच यह है कि इन्हीं के चलते आम भारतीयों के सपने को पंख लगे, अन्यथा आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में यह संभव नहीं था। और तो और, अगर ये आर्थिक सुधार इस मुल्क में कुछ समय पूर्व लागू कर दिए गए होते तो यकीनन आज भारत प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भी विश्व की बड़ी आर्थिक महाशक्ति होता। याद करिए, आज़ादी के बाद की पहले 3-4 दशकों तक भारत की आर्थिक विकास दर तकरीबन 3-4% के बीच ही थी, जबकि 90 के बाद से यह दर 7% या उससे अधिक रही। इसी कारण आज आज़ाद भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व अपने आप को पूर्व की दो पीढ़ियों के से अधिक आर्थिक संपन्न पाती है और इसलिए उन आर्थिक सुधारों को बड़ी आर्थिक ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में लिया जाता है। एक बार फिर से पीछे चले और जरा याद करें वह दौर जब घर में टेलीफोन लगाने के लिए 2-3 वर्ष तक का इंतजार करना पड़ता और आज हम विश्व में मोबाइल पर इंटरनेट के सबसे बड़े उपभोक्ता है। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद से आमजन का जीवन पूरी तरह बदल गया, जिसमें उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सुविधा आ गई। वह बहुत पुरानी बात नहीं जब घर में एक TV हुआ करता था और उसे देखने के लिए छत पर जाकर दूरदर्शन का एंटीना कई बार हिलाना पड़ता था। अब तो सैटेलाइट TV का दौर है और चैनलों की संख्या अनगिनत है। बड़े शहरों में मल्टीप्लेक्स का जमाना है। इन सब के बीच मनोरंजन क्षेत्र में हुई क्रांति ने OTT प्लेटफॉर्म को एक बेहतरीन जगह दे दी है। अब दीपावली और धनतेरस पे आम उपभोक्ताओं की खरीदारी का चलन हर वर्ष बड़ी तेजी से
बदल रहा है। अगर इन त्योहारों पर दुपहिए वाहनों और कारों की बिक्री कम हो जाए तो आर्थिक विश्लेषण भारत में मंदी की सुगबुगाहट देखने लगते हैं। यानी कार का बिक्री दोपहिए वाहन की बिक्री अगर कम हो जाए तो क्या होता है, लोग आर्थिक विश्लेषक कहने लगते हैं कि भारत में मंदी आ रही है। भारत का विशाल बाजार जिसमें उसके उपभोक्ता को क्रय क्षमता सबसे बड़ी सत्ता रखती है का आकर्षण पूरे विश्व में है। वर्तमान समय की इस सच्चाई के पीछे का आधार 90 के आर्थिक सुधारों का मुख्य सोचा LPG है। यह भी समझना होगा कि तब के सुधार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उदारीकरण को इसलिए दिया गया था कि उसी के माध्यम से सबसे पहले निजी निवेश तथा उसके बाद विदेशी निवेशकों को भारत में प्रोत्साहन मिले। उसी के चलते आज भारतीय अर्थव्यवस्था उस कगार पर खड़ी है जहां केंद्र सरकार खुद पूंजी निवेश के लिए बजट में 10 लाख करोड़ की बड़ी राशि आवंटित करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे निजी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। इन सब के चलते ही विदेशी निवेशकों के लिए आज भारत सबसे आकर्षक जगह है। यानी विदेशी व्यवसायों के लिए भारत क्या बन गया, सबसे आकर्षक जगह बन गया। हालांकि कई अर्थशास्त्री इस बात की भी बड़े पक्षकार रहे हैं कि शेयर बाजार की तरक्की अर्थव्यवस्था की वास्तविक तरक्की को प्रदर्शित नहीं करता है। इसके बावजूद अब यह समझना होगा कि आज भारत की पूंजी बाजार कुछ हद तक आत्मनिर्भर हो रहा है। अब भारतीय निवेशकों में SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करने का अपना एक अलग ही आकर्षण है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से SIP में निवेश में शेयर बाजार में जोखिम तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम हो जाता है। इसी कारण अब विदेशी निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार के प्रति सोच भी बदलती है। इन सब के बावजूद आज अगर भारत गरीबी का वास्तविक विकल्प नहीं निकाल पा रहा है तो इसका एक कारण यह भी है कि 90 के आर्थिक सुधारों में से सबसे अधिक फायदा निजी क्षेत्र को मिला है। इसी के चलते भारत में आर्थिक विषमता जैसी समस्या जिसे अमीरों और गरीबों के बीच में खाई के रूप में जाना जाता है बहुत बढ़ गई है। यह अचंभित करने वाली बात है कि GDP के हिसाब से विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला मुल्क विश्व की गरीबों में तकरीबन 20% का हिस्सा रखता है। यानी विश्व में जितना गरीबी है उसमें तकरीबन 20% हिस्सा कौन रखता है, भारत रखता है। हमने इंग्लैंड के GDP में पीछे तो छोड़े दिए हैं लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम उससे आज भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि 90 के आर्थिक सुधार में शायद प्रति व्यक्ति आय बढ़ने में के संबंध में कोई ठोस विकल्प नहीं था। यहाँ भारत का विशाल जनसंख्या को एक नकारात्मक पक्ष मानकर तार्किक नहीं लगता, क्योंकि इसी जनसंख्या के मध्यम वर्ग की क्रय क्षमता आर्थिक विकास के मुख्य आधारशिला है। फिर जनसंख्या के गरीब तबके का निवारण क्यों न अपेक्षित हो, शायद इन प्रश्न का उत्तर आर्थिक सुधारों के निर्माता और उसे वास्तविक रूप से क्रियान्वय करने वाले के पास है। इन चुनावों के गहमागहमी शुरू हो गई है और इस समय राजनीतिक निर्णयों और चर्चाओं में अगर आर्थिक मुद्दे की बातें अपना असर डाल रही है तो यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। यानी लोकतंत्र में यह अच्छा बात होगा क्या, जब आर्थिक मुद्दे की बात कहाँ चलेगा, राजनीतिक में। मगर आम जन कहाँ तक इस राजनीति को समझेगा, क्योंकि मौजूदा सरकार जहाँ आर्थिक सुधार का निर्माण PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देती है तो वहीं आर्थिक सुधार के जनक मनमोहन सिंह सरकार को 10 साल के श्वेत पत्र के जरिए भारत की आर्थिक प्रगति में सबसे नीचे रखती है। यह अचंभित करने वाली बात है कि GDP के हिसाब से विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला मुल्क विश्व की गरीब में तकरीबन 20% का हिस्सा रखता है। हमने इंग्लैंड को GDP में पीछे तो छोड़ दिया
लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम उससे आज भी बहुत पीछे हैं। यहाँ भारत की विशाल जनसंख्या को एक नकारात्मक पक्ष मानना तार्किक नहीं लगता, क्योंकि इसी जनसंख्या के मध्यम वर्ग की क्रय क्षमता आर्थिक विकास की मुख्य आधारशिला है। इस वीडियो को आप लोग देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू वंस अगेन।